क्रॉस चेक कर लो तो बी का एक बार माइनस फोर माइनस टेन इस तरफ आया तो प्लस टेन, फिर ये माइनस फोर को इस तरफ वैसे का वैसा क्या 5 टू जा 10 हुआ ना, ये 5 की अब 10 माइनस 4 तो 6 5 की 5 डिवाइड पे जाएगा तो 6 डिवाइड बाय 3 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 तो यहां पे यहां बड़े बड़े नहीं बहुत बड़ा
को प्लस, ये 5 को p के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी। 5 into p तो 5p, फिर ये माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लगाना। 5 × 5 = 34 बराबर। अब क्या करना है देखो, ये 4 है और ये माइनस 5 बराबर। अब ये इन ये जो नॉर्मल नंबर है ना इनको सामने की साइड भेज देते हैं, चलो तो काम आसान हो जाता है। ये 34 है बराबर, ये माइनस 5 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, ये प्लस का 4 सामने जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे कौन जाएगा सिर्फ 5p बराबर। अब इसे तो 5p इज इक्वल टू 34 प्लस 5 कितना होगा 39 में से 5 4 जाएगा तो 35 ना तो ये आएगा 34 प्लस 5 तो 39 और 39 में से 4 निकालना है तो आएगा 35। यहाँ तक क्लियर? अब 5 एंड p तो 5 जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पे आएगा p इज इक्वल टू 35/5 बराबर। तो क्या होगा 5 × 7 = 35 इसलिए p आएगा सर हमारे सारे सारे हो बराबर। चलो ई में क्या है 0 = 16 + 4 m - 6 बराबर। अब यहाँ पे क्या करना देखो 0 = 16 + 4 का m के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 का 6 के साथ 4 × 4 m ये माइनस का माइनस 4 × 6 = 24 बराबर है। ध्यान चलो 0 = 2। अब देखो क्या करें अब जो नॉर्मल नंबर है ना सुनो, ये जो नंबर है उनको इस साइड भेज देते हैं, ये -24 इस साइड आएगा तो +24 हो जाएगा, ये 24 प्लस वाला बराबर, और ये 16 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -16। अब जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 4m। चलो 24 - 16 कितना होगा 24 - 16 क्या आएगा 24 - 16 एक होगा ना, इधर ध्यान दो भाई 24 में से 16 जाएगा तो 8 = 4m। अब ये 4 कहाँ जाएगा तो 8/4 m का आंसर आएगा 4 आएगा टू इज इक्वल टू बराबर है। यस सर हमारा राइट है, 12 कैसे आया सर 12 2 आया 2 ये बॉक्स बनाया है मैंने भाई सर सर इन लोगों को एलएचएस और आरएचएस वाले नहीं आती है मैं जब हम ठीक है सर हम बोल पहले से आते देखो हमें क्या कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन हमें क्या बोला कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2 यस सर हमें x = 2 ऐसा दिया बराबर। अब इसकी हेल्प से आपको 3 इक्वेशन और बनानी है, क्या करना है फिर से इसमें 3 इक्वेशन और बनानी है राइट। तो क्या करना है इसकी हेल्प से पहले जो है वो कॉपी कर लो। अब क्या करो इसके साथ हम x = 2 ऐसा है ना तब कुछ भी ऐसा या देखो
यहाँ पे जैसे कि मान लो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो चीज इधर करो वो चीज इधर भी करो, ऐसा कुछ भी करके इक्वेशन बनाए। तो जैसे कि चलो मैं इस साइड करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो इस तरह, तो क्या होगा 5 है, और इधर 5 से किया तो उधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 5x = 2 5 = 10। तो एक इक्वेशन ये बना बराबर। फिर सेकंड इक्वेशन आप कुछ बना सकते हो, इसमें कोई भी एक साइड कोई नंबर ऐड कर लो, कैसा पर जो चीज आप इधर करो वही चीज इधर भी। चलो आपने ऐसा बताइए इस साइड 2 ऐड कर लेते हैं, 5x + 2 इधर प्लस 2 भी है तो इधर भी, हाँ नहीं वर्णित कर लिया फाइव इधर मल्टीप्लाई फाइव तो पहले की तो मालूम चलेगा ये चीज। तुझे